साथियों, आज मुझे एक बहुत ही बेहद जिम्मेदारी दी गई है, मनीषा जी को मुझे इंट्रोड्यूस करना आप सबके साथ। तो मुझे लगता है कि मनीषा जी की इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे निजी मित्र तो हैं ही, इसके अलावा पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और बेहतरीन बात यह है कि अपने व्यावसायिक जीवन के अलावा डॉक्टर मनीषा बांगर जी एक प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरीके से हालात देश में खास तौर से बहुजनों को लेकर बिगड़े हैं, मतलब पिछले 4-5 सालों में विशेष रूप से, वैसे ये इतिहास तो लंबा है, आज़ादी के बाद भी वो हक हकूक जो मिलना चाहिए था बहुजनों को नहीं मिल पाया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात ज़्यादा बिगड़े हैं। तो वैसी स्थिति में जो कही जाती है बार बार कि सर्वांगीण विकास, तो ये एक छलावा है। सर्वांगीण विकास में सिर्फ ब्राह्मण बनिया, जनऊ और बनिया के अलावा कोई नहीं है, उसके बहुजन उसमें से नदारत हैं। इसीलिए 70 साल बाद भी ये खाई जो है हमारे बीच बढ़ी है, गरीबों की संख्या बढ़ी है, दलितों पे हमले बढ़े हैं, अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़े हैं, पिछड़ों की हक हकूक मारे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर मनीषा बांगर जैसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षित पढ़ी लिखी डेडिकेटेड एक्टिविस्ट इस बार नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ ये चुनाव के मैदान में, लोकसभा मैदान में हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इनकी जो योजनाएं हैं और क्या एजेंडा है, आप सब इसे साझा करेंगे। शुक्रिया। नागपुर के क्षेत्र को लेकर जो लोगों में एक तरीके का कुतूहल है, एक बहुत ही अचरज की भी बात है कि यह लड़ाई किस तरह से होने वाली है, और क्योंकि नागपुर यह संघ राष्ट्रीय सेवक संघ का केंद्र है, इसके साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं वह भी नागपुर को एक बहुत ही अलग नज़र से और बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। ये मतलब इतना सारा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर पर, सारे स्तर पर नागपुर की जो भूमि है और नागपुर का ये निर्वाचन क्षेत्र है, ये एक अलग तरीके का घमासान जिसको कहते हैं या युद्ध क्षेत्र बन गया है, और सभी की नज़र उसके ऊपर टिकी हुई है। संदेह है, मैं आपके तरफ से प्रश्न चाहूँगी, क्योंकि समाज से मुझे काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे थे और तभी हमने ये निर्णय लिया कि हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से हम इन्हीं सभी सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मेरे सोशल मीडिया के इस पर और या कोई सभाओं में मैं जा रही हूँ तो वहाँ पर भी अनेक प्रश्न होते हैं। मुझे, मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है कि मैं हर प्रश्न का, हर सवाल का जवाब वहाँ पर दूँ, और इसीलिए खासकर जब मेरे मित्रों ने और पत्रकार मित्रों ने, जो कुछ अभी थोड़ी देर में आएंगे, और फिर प्रोफेसर साहब ने और भी अन्य कई लोगों ने कहा कि आपने नागपुर में ही नहीं तो दिल्ली में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए, ताकि पूरे देश भर में, और ये जो जिसको नॉर्थ इंडिया और काउ बेल्ट और जहाँ पर संघ बीजेपी आरएसएस की सबसे ज़्यादा घिनौनी जो राजनीति चलती है वो चल रही है, वहाँ तक वो मैसेज पूरा जाना चाहिए। तो ये इसका मकसद रहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसके साथ साथ मुझे तीन, मेरे ख्याल से मैं इसको तीन तरह से मैं इसको लेना चाहूँगी। पहले तो कुछ प्रश्न जो सामने आते हैं बीजेपी और इसको लेकर, मोदी जी को लेकर, और मैं नितिन गडकरी को किस तरह से देखती हूँ। दूसरी बात, नितिन गडकरी के बारे में क्या समाज में अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरा ये है कि खास करके जब यह पूरी तरह से लोकसभा का चुनाव और चुनाव आयोग के इसमें जो फॉर्मेलिटीज इंक्लूड कर दी गई है अब की बारी इलेक्शंस में 2019 के, और ईवीएम के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। और मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करके रखें या मैं बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अभी तक, मतलब मैं जिस तरह से देखती हूँ कि 2014 से लेकर अभी तक जब मिस्टर मोदी की बात आती है तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। मान चुके हैं लोग, जान चुके हैं लोग कि उनका कार्यकाल कितना असफल रहा है। और अभी जो मेरे सामने चुनौती है, जो हमारे समाज के सामने चुनौती है, कि वहाँ पर एक विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति जो कि नागपुर से लड़ रहा है और उसी संघ और बीजेपी का अभिन्न अंग है,
उसकी छवि को इस तरह से दिखाया जा रहा है जिस तरह से कि बीजेपी पार्टी और संघ, उसके पीछे जो संघ है और सारे जो बजरंग दल वगैरह हैं उनके सामने मुखौटा करके अगर नितिन गडकरी को रखते हैं तो ऐसे समझा जा रहा है कि जैसे यह बिल्कुल धुल गए हैं, साफ हो गए हैं, इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उस इनके बारे में बताने के पहले मैं फिर से कहूँगी कि मैं समाज में जब जा रही हूँ बार बार मैं बताना चाह रही हूँ कि आप नितिन गडकरी जी को अलग ना समझें। वो ना ही, वो सिर्फ संघ का जो अल्टीमेट गोल रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण वर्ग से होना चाहिए, हमेशा उनका रहा है, वो नहीं बना पाए, नहीं बना पाते हैं जो उथल पुथल सामाजिक चल रही है उस वजह से। लेकिन हमें मालूम है कि उनके उनके जो सारे समझ है, परिचय है, उसमें वो किस तरह से उस चीज़ को इतनी मजबूती से सामने लाते हैं, बहुत उद्धृत तरीके से, छुपे तरीके से और कुछ अलग तरीके से, मीडिया के ज़रिए से भी और इंडिकेटिव तरीके से भी। तो ये जो उजली हुई छवि है यह बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैटर्न उनका वही है, पैटर्न उसी तरह से ला रहे हैं, अच्छे दिन और विकास पुरुष। और अभी नितिन गडकरी जी को भी बिल्कुल नॉन करप्टेड पर्सन या विकास पुरुष के तरह से लेकर आ रहे हैं। मुझे याद है वो समय जबकि बीजेपी और वाजपेयी जी को बताया गया कि बहुत वो अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत उजले व्यक्ति है, कभी भी है, कविता भी कर लेते हैं, मतलब कवि को तो ऐसे ही माना जाता है कि आई मीन लाइक ही इज़ अ नाइस पर्सन, दे कांट बी एनीथिंग रॉन्ग विथ हिम, ऐसा माना जाता है। तो उनके वैसे बनाया गया और हाँ हाँ अच्छे व्यक्ति है, पार्टी गलत है मगर व्यक्ति तो अच्छे हैं। मोदी जी आए, जब इनका कार्यकाल आया बर्बाद हो गया देश, तहस नहस हो गई, उद्वंस हो गया, विध्वंस हो गया। लेकिन वो का सारा ठिकरा जो बीजेपी का और आरएसएस का है वो एक व्यक्ति के ऊपर डाल देना चाहते हैं, वो ठिकरा उनके ऊपर फोड़ देना चाहते हैं। क्यों करके? क्योंकि अभी आप मोदी जी को जान गए हैं, उनके कार्यकाल को जान गए हैं, आपने उनको पहचान लिया, आप उनको चुन के नहीं लाने वाले हैं। और ना ही और बीजेपी को पूरा यकीन है कि अगर मोदी जी को अगर वो अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट करके बताएंगे तो बीजेपी आने वाली नहीं है, या उनको अभी सब्यू करना है। तो वह ठिकरा उनके ऊपर फोड़कर फिर से बीजेपी की उज्जवल एक तस्वीर, एक छवि बना के रखना चाहते हैं। और हम ये होने नहीं देना चाहते, हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए हम, जबकि देखिए एक एक मसला वो होता है कि व्यक्ति आता है, वो अपने 5 साल का कार्यकाल में पार्टी का धोरण लागू करता है और उसमें वो उनकी विचारधारा और व्यवस्था ऐसी है उसमें से क्या निष्पन्न होने वाला है, क्या निकलने वाला है, हमें मालूम है। लेकिन तब तक तो 5 साल का समय निकल गया होता है, लोग तो वह व्यक्ति को वोट कर दिए होते हैं, उसके लिए सहमति बन गई होती है। ऐसा ही हुआ मिस्टर मोदी के साथ, पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग आधा समय तो समझता रहा कि मिस्टर मोदी ओबीसी है। और भी कई तरीके से, उनके पारिवारिक तरीके से उनके बारे में भ्रम फैलाया गया, हर तरीके से फैलाया गया, और इसके लिए वो मेनस्ट्रीम मीडिया जिम्मेवार रहा। और मुझे खुशी है कि उसमें का एक भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ पर से तो भी सच्ची बात और सही बात वहाँ पर जाएगी। तो यह जो प्रोसेस और इनका जो पैटर्न है बीजेपी का कि इस तरह से उसको लगातार एक जनमत बनाना और वो जनमत से वह एक विशिष्ट वर्ग के उसी विचारधारा का व्यक्ति और उसी उनकी जो आइडियोलॉजी ही नहीं तो उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका एजेंडा जो है उसको पूरी तरह से लागू करने वाला व्यक्ति वह फिर से लाना चाहते हैं। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि नितिन गडकरी की उचली इसके लाकर सामने लाकर वो अपने इसमें सफल होंगे तो हम वहाँ पर नहीं होने देंगे। इसीलिए मैंने नागपुर को चुना। मुझे मेरे पार्टी के तरफ से जब आया, जब हम लोग ने ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये 1.5 साल में बनी हुई पार्टी है, लगभग हमने अभी 135 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमने फील्ड किए हैं फील्ड में। और इसके पहले भी, ये कोई हमारा पहला चुनाव नहीं है, इसके पहले हमने विधानसभा के इलेक्शंस एमपी में और राजस्थान में लड़े हैं। राजस्थान में उतना सफलता हमें नहीं मिली लेकिन एमपी में हमें कुछ हद तक सफलता मिली है। जब हालांकि हम लोग जो मिनिमम परसेंटेज वोट है वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन गर्व की बात यह है कि 5-6 सीट्स तक तीसरे पोजीशन पे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया आई है। आप जाकर वेबसाइट पे भी इसको चेक कर सकते हैं।
अब ऐसा होते हुए जब मुझे पूछा गया कि आपने नागपुर को क्यों चुना, तो मैं अभी जितना मैंने आपके सामने बताया वही चीज़ें उन्हें बताई। और मैंने ये संघर्ष को सिर्फ राजनीतिक संघर्ष करके ही नहीं मैं ले रही हूँ, तो इसको एक विचारधारा का संघर्ष, फुले अम्बेडकरी बहुजन विचारधारा बनाम मनुवाद और ब्राह्मणवाद की विचारधारा जो उनके माध्यम से चल रही है, क्लियर क्लैरिटी के साथ मैं इस तरह से आ रही हूँ। और मैंने इसकी इसमें कोई अपने शब्दों को नीचे ऊपर नहीं करने की कोशिश की है, इसी तरह की हमारी छवि रही है, जिस संगठन के क्या पार्श्वभूमि मेरे साथ है उस संगठन की भी इसी तरह से छवि रही है। तो ये संघर्ष इस तरह का है। और जब अगर मैं हम बुल्ढाना करके जगह है और भी ऐसी छोटी कोई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है कि जहाँ से, या फिर हो सकता है कि अगर रिजर्व्ड सीट्स जो होते हैं अगर मैं वहाँ से लड़ती तो चुन के आती और बहुमत से आती, मगर मैंने वैसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं सोचा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में सिर्फ एक चुनाव जीतने या एक चुनाव लड़ने वाली बात नहीं है, ये निरंतर प्रोसेस है और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन और बहुत बड़ा मैसेज देने वाला बात है। हम वैसी राजनीति नहीं करते जैसे कन्हैया कुमार, मिस्टर कन्हैया कुमार सीपीआई वाले उनसे करवा रहे हैं, पूरा समय वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ मनुवाद के खिलाफ बोलते रहे और अभी अपने जात बहुल प्रदेश में जाके वहाँ पर लड़ रहे हैं। वो तो हम कभी भी कर सकते थे और हम चुन के भी आ सकते थे। तो मैं जो चाहती हूँ कि मिस्टर प्रकाश अम्बेडकर, मैं चाहती हूँ कि अन्य लोग जो बीजेपी आरएसएस को 4 साल तक चुनौती देते रहे, बड़े बड़े भाषण देते रहे, ये करते रहे, गरियाते रहे, बुलियाते रहे और उनकी अपने ऐसे छवि बनी है कि एक व्यक्ति पूरे आरएसएस को संगठन को चुनौती देने वाला है, ऐसे भी बना दी उनके मीडिया ने। और फिर जब समय आया तो दुबक करके चूहे की तरह अपने बिल में जाके बैठ गए और वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा, मतलब ये इस तरह का कितना डिसऑनेस्टी है, कितनी इनसिंसियरिटी है फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा और बाबा साहब का जो खुद का कार्यकाल राजनीतिक और सामाजिक, वो इस तरह का डरपोक कार्यकाल कभी आ रही है। हमने फ्रंटल अटैक किया हुआ है, फ्रंटल से मैसेज दिया हुआ है और इसी वजह से हम वहाँ पर रहेंगे। तो मैंने ये ठान लिया है कि हमारे पास काफ़ी सारे दस्तावेज और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई है मिस्टर नितिन गडकरी के करप्शन फ्री इमेज को लेकर, जो कि कितनी धूमिल है और कितनी ज़्यादा बनाई हुई है और कितनी ज़्यादा कॉन्कॉक्टेड और कंस्ट्रक्टेड है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आंकड़े आया है कि 2013 और 14 में उनकी आय जो उन्होंने बताई है वो कुछ दो लाख सम हज़ार, फिर 2018 में उनकी जाती है 6 लाख तक, और जब कुल आया भी वो घोषित करते हैं इस नोटिफिकेशन में, जो चुनाव का जो पत्र होता है एफिडेविट में, उसमें वो 25 करोड़ प्लस उनकी आमदनी इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी वो घोषित करते हैं और अपनी पत्नी के इसमें घोषित करते हैं और अपने आप को वो उससे अलग रखते हैं। तो क्या हम लोग ये नहीं समझते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है? इतना ही नहीं तो आप अगर वेबसाइट पे देखेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पर कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है, कितने सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर में घोटाले करे हुए हैं और जितना भी ये आपको जो पुल गिरते हुए नज़र आए हैं मुंबई में, और जो एक बहुत बड़ा हादसा जो यहाँ पर हुआ था कलकत्ता में, वह भी उनकी कंपनी से रिलेटेड है। ये बातें मीडिया नहीं बोल रही है, ये बातें मीडिया में नहीं बताई जा रही है। वहाँ से लेकर अगर हम लोग नागपुर क्षेत्र में आते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्टर नितिन गडकरी वहाँ पर, उनकी सरकार और फडणवीस भी वहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेट्रो लगनी चाहिए। मैं उस दिन प्रचार माध्यम के इससे मैं घूम रही थी तो हमने हमारे ड्राइवर से पूछा और अन्य लोगों से पूछा, आपको क्या लगता, हम मतलब नागपुर तो हमारी जगह है ही, बहुत अक्सर हम वहाँ पर जाते ही रहे हैं, लेकिन अब तो एक महीने से हमने वहाँ पर खेमा गाड़ के रखा हुआ है, तो हमने पता किया कि वहाँ पर मेट्रो की ज़रूरत ही नहीं है, हमें दिख रहा है ज़रूरत ही नहीं है वो सिटी में। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है वो बिल्कुल भी वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा, वो ड्राइवर और व्यक्ति कहने लगा कि मैडम, डॉक्टर नितिन गडकरी साहब अभी नहीं 10 साल के आगे का देख रहे हैं। मैंने कहा 10 साल के आगे का देख रहे हैं और यहाँ पर जो विदर्भ में किसान जो आत्महत्या कर रहा है वह क्या तुम्हारे लिए 10 साल रुकेगा? 10 साल के बाद उसकी आत्महत्या हो रही है कि आज उसकी आत्महत्याएँ हो रही है? तो
यह जो नरसंहार का, अलग अलग तरीके से नरसंहार का जो हुआ है, मोदी मिस्टर मोदी का राज बोल दिया है उसको, जैसे कि मिस्टर मोदी रिस्पॉन्सिबल है, मिस्टर मोदी तो है ही, उनको तो सामने रखा गया, बीजेपी और आरएसएस इसके पीछे है, वैसे ही मिस्टर नितिन गडकरी को एक उज्जवल प्रतिमा के सामने रख देंगे बना के, और पीछे में बीजेपी और आरएसएस अपना सारा का सारा एजेंडा, जो एक उच्च वर्णीय प्रस्थापित वर्ग का एक एजेंडा होता है, उसको कार्यान्वित करेंगे, ऐसा हमें लगता है। और हम ऐसा वहाँ पर चुनौती इस तरह से हम इसको ले रहे हैं, यह मैं मीडिया के सामने रखना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।